हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेटा, ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर इससे पहले आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। जैसा कि बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एक बात तो आप जान ही चुके हो, जहाँ आई क्या होता है, रूट ऑफ माइनस वन होता है। आई स्क्वायर क्या होता है बेटा, आयोटा। That is said to be iota. Iota is equal to root minus one. Iota square is equal to क्या होगा? Minus one. Iota cube क्या होगा बेटा? Minus i हो जाएगा। जब दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करोगे, iota की पावर फोर क्या होगा? ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, सिंप्लीफाई करते हैं। पहला क्वेश्चन, वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई माइनस वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई। चाहो तो इसको ऐसे लिखो, ब्रैकेट बना दिया करो, ठीक है। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे बचपन में करते थे ना, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते थे, इसका मल्टीप्लाई से करो, इसका मल्टीप्लाई से करो। पहले डिवाइड का साइन लगा दो, पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाई वन प्लस आई टू दी पावर टू हो जाएगा होल स्क्वायर, और वन माइनस आई इंटू वन माइनस आई इट गिव्स वाई माइनस आयोटा होल टू दी पावर टू। नोमिनेटर में देखो, इट इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये देखो ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है कि नहीं, सो इट बिकम्स वन का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखो, इसको जरा तुम एक्सपेंड करो तो वन का होल स्क्वायर वन होता है प्लस आई स्क्वायर होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और प्लस टू इंटू वन इंटू टू आई होगा, टू आयोटा। ऐसे ही वन माइनस आई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का होल स्क्वायर वन प्लस आई आयोटा स्क्वायर होगा, और माइनस टू इंटू वन इंटू आई गिव टू आई होगा। अब तुम देखो बेटा, न्यूमरेटर को जरा और एक्सपेंड करो। एक चीज देखो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, यहां से जरा सोचो, माइनस वन होता है ना, तो देखो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा, प्लस आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू आयोटा और माइनस माइनस प्लस टू आयोटा, इट गिव्स फोर आयोटा। फोर आयोटा बस बचेगा, देख लेना आप, ठीक है। और डिनोमिनेटर देखो, वन का स्क्वायर वन होता है और आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है, ध्यान देना माइनस बीच में है। अब ये क्या हो जाएगा, फोर आयोटा अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस माइनस वन इट गिव्स प्लस वन, मतलब फोर आयोटा अपॉन वन प्लस वन इट गिव्स फोर अपॉन फोर आई अपॉन टू अर्थात टू आयोटा, ये हो जाएगा। बेटा कभी कभी ना इसी क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है कि राइट इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर लिखना होता तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता, सबसे पहले इसको जेड के बराबर मान लेता। अब ये जेड के बराबर चल रहा है सब कुछ, इस तरह से जेड बराबर क्या मिल गया हमको, टू आयोटा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस टू आयोटा, ठीक है। अगर मैं यही पूछ दूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तब कहोगे जीरो, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, कहोगे टू। अगर मैं कहूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू कितनी है, तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में आप मॉड निकालोगे। तो मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है टू है, और टू का होल स्क्वायर फोर हो जाता है, अंत में इसकी वैल्यू टू आएगी। तो इस तमाम तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम जो भी सिंप्लीफाई करेंगे क्या करेंगे बेटा, उसे हम लोग ए प्लस आई, मतलब उसको हम ना लास्ट में ना कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है, ठीक है। और उस जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी का माइनस वैल्यू क्या होती है, वो होती है जेड माइनस वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाई करना है। तो काम करो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम सिंप्लीफाई करें ना, तो उसको नेमिंग कर दो, अर्थात हम इसको लेट जेड बराबर मान लेते हैं। जेड इक्वल टू है वन अपान वन माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस वन अपान वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर। देखो एक तरीका तो कहीं होता है लगाने के, एक तरीका ऐसे पहले एलसीएम ले लो, और नहीं तो पहले वन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अलग से समझ लो। इसको मैं अलग से समझा दे रहा हूं, ये वन है
-2 आउट आएगा, चेक कर लेना। कैसे जाना, वह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू देगी, तो बेटा आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, तो वन प्लस आप माइनस वन कट जाएगा, बस माइनस टू आयोटा बचेगा। ऐसे ही रेशियो अलग से सिंप्लीफाई करके देख लो, पहले वन का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू आयोटा, या वन आई स्क्वायर को माइनस वन होती है, प्लस इंटू माइनस माइनस वन हो जाता है, प्लस टू आयोटा अर्थात टू आयोटा आएगा। चलो ये भी हमारा सोल्यूशन का ही पार्ट है, हम क्या लिखेंगे, वन अपान माइनस टू आयोटा माइनस ये होगा वन अपान टू आयोटा। तुम देखो बेटा माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, इट गिव्स टू अपान, मतलब क्या है कि माइनस तो रहेगा, अब चाहो तो माइनस को आगे ऊपर लगा दो, कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है इसको ऊपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होगा, माइनस टू अपान टू आयोटा यानी माइनस वन अपान आयोटा। बेटा इतनी याद रखना, आई हमेशा ना न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करो। तो जैसा कि आपको पता है माइनस, देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, इसको हम आई का स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, और नीचे आई रहेगा ही रहेगा, ओवरऑल जब डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, आई बन जाएगा, यानी जेड इक्वल टू आई, ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं कह देता कि फाइंड इट्स मॉडुलस वैल्यू, तो मॉडुलस वैल्यू तब तक नहीं प्राप्त करेंगे जब तक कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, जीरो प्लस जीरो वन आई, ठीक है। अगर हम मॉडुलस वैल्यू इसका पूछें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, देखो जीरो का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इट गिव्स ओनली वन। अरे भाई रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ जीरो, इमेजिनरी पार्ट यहाँ वन है। मैं साथ ही साथ सबका कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या बताते जा रहे हैं, मॉडुलस वैल्यू बताते जा रहे हैं, ठीक है बेटा, दोनों समझ गए कि सर सिंप्लीफाई भी कर दे रहे हैं और उसका मॉडुलस वैल्यू भी निकाल दे रहे हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, देखो अगर प्रैक्टिस जब कर लोगे ना तो बहुत आसान होगा ये चैप्टर, चैप्टर तो आसान ही है आपके लिए, अभी थोड़ा सा देख लो। लेट इसको जेड बराबर पहले मान लो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको जेड के बराबर इक्वल कर देते हैं, ठीक है। टू प्लस थ्री आयोटा होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई थ्री माइनस आयोटा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर में देखो क्या होगा, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी होल डिवाइडेड बाई, ये अभी वैसे ही रहेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करो। चलो जेड का जेड बराबर ये फोर हो जाएगा प्लस थ्री होल स्क्वायर नाइन आई होल स्क्वायर आई स्क्वायर यानी नाइन आई स्क्वायर हो जाएगा, टू टू जा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई थ्री माइनस आयोटा, ये आयोटा है। बेटा देखो आई स्क्वायर को माइनस वन थी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर प्लस नाइन इंटू माइनस वन प्लस ट्वेल्व आयोटा डिवाइडेड बाई थ्री माइनस आयोटा, यानी फोर माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व आयोटा डिवाइडेड बाई थ्री माइनस आयोटा, चार में से नौ गया माइनस पांच, माइनस पांच प्लस ट्वेल्व आयोटा अपॉन थ्री माइनस आयोटा। अब देखो क्या ये सिंप्लीफाई हो गया, नो देखो हम तब तक सिंप्लीफिकेशन तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे जब तक इसके डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए डिनोमिनेटर में बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम 3 माइनस आई को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करना हो तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब एक नया वर्ड आया है कॉन्जुगेट, देखो बेटा a प्लस आई बी का जो कॉन्जुगेट वैल्यू होता है वो a माइनस आई बी होता है, और a माइनस आई बी का जो कॉन्जुगेट वैल्यू होता है वो a प्लस आई बी होता है, माइनस a प्लस आई बी का जो कॉन्जुगेट वैल्यू होगा माइनस a माइनस आई बी होगा। क्या तुम देख रहे हो, सिर्फ ना हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो साइन वही चेंज करते हैं, कॉन्जुगेट मतलब होता है सहयुग्मी, समान युग्म वाले, मतलब फर्स्ट बीच का साइन चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे फर्दर, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखो अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, थ्री माइनस आयोटा है इसका कॉन्जुगेट हुआ थ्री प्लस आयोटा, बस बीच का जो साइन है ना वो बस चेंज कर देना, माइनस का प्लस कर देना, प्लस का माइनस, जिसे माइनस है प्लस कर दो। अब तुम देख रहे हो कि ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम सेम नंबर है तो बैलेंस रहेगा, लेकिन फायदा क्या होगा अब देखो, यही ध्यान देने वाली बात है। बेटा ब्रैकेट पहले ओपन कर दो, माइनस फाइव ऑफ थ्री प्लस आयोटा प्लस ट्वेल्व आयोटा ऑफ थ्री प्लस आई, मतलब क्या है कि पहले ये माइनस फाइव इसमें मल्टीप्लाई करेगा देन प्लस ट्वेल्व इसमें मल्टीप्लाई करेगा एंड होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो
थ्री का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लास नाइन से हमने पढ़ा था। बेटा देखो नाइन का जो होल स्क्वायर है वो सबको पता है, सॉरी थ्री का होल स्क्वायर है सबको पता है नाइन है, और आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस माइनस होता है। देखो पहले से माइनस था, बीच माइनस होने लगा दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो तो 15 माइनस 5 आयोटा प्लस 36 आयोटा और 12 आयोटा स्क्वायर, थोड़ा आयोटा को सही से लिखिएगा, कहीं छोटा बड़ा हो जाए, कहीं गायब ना हो जाए। चलो नीचे देखो क्या होगा डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट मैं 10 लिख सकता हूँ ना, हम तो समझदार तो हो आप लोग, 9 माइनस माइनस 1 को 10 ही कहेंगे। देखो देखो बेटा ये देखो माइनस 15 ये है, माइनस 5 आई प्लस 36 आई, सब्ट्रैक्ट होगा प्लस 31 वाई आएगा, तुम चेक कर लेना गलत है कि सही है। देखो प्लस 12 तो ठीक है अपने जगह पे, जबकि आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब क्या होगा माइनस 15 प्लस 31 आयोटा और माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10, या माइनस 15 नहीं नहीं माइनस 15 जुड़ जाएगा ना, तो माइनस 15 12 जोड़ो तो माइनस 27 होगा, अब प्लस 31 आयोटा और अपॉइंट, बस हो गया, यही तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है ना, देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। अच्छा अगर मान लो इसको रियल पार्ट और रियल पार्ट अगर हम दिखाना अलग से, तो कैसे दिखाओगे, तो पहले इसको अलग कर दो, ऐसे लिख दो माइनस 27 बाई 10 और प्लस 31 अपॉन 10 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस 27 बाई 10 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 31 बाई 10, और इसका अगर माइनस वैल्यू लेना है तो रूट ऑफ माइनस 27 बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस 31 बाई 10 का होल स्क्वायर, यही हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब ऐसा ही लास्ट वाले क्वेश्चन को आप इटसेल्फ कर सकते हो। बच्चों कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। प्रूव दैट 1 प्लस 7 आई अपॉन 2 माइनस आई होल पावर 2 इज इक्वल टू लाना है माइनस 1 प्लस आई, और दो सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट आई। चलो बेटा पहला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट का पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स पार्ट लग रहा है हमें, तो 1 प्लस 7 आई अपॉन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। एक काम करो पहले चाहो तो इसको डिनोमिनेटर को एक्सपेंड कर दो, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू आयोटा, और न्यूमिरेटर भी वैसे ही रहने दो, न्यूमिरेटर को डिस्टर्ब हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो 1 प्लस 7 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है, तो प्लस इंटू माइनस 1, फर्दर ये माइनस 1 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 आयोटा हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है 4 माइनस 1 बेटा 3 आएगा, 3 माइनस 4 आयोटा और ऊपर है 1 प्लस 7 आयोटा। मैं कर बेटा प्रूफ क्या करना आपको माइनस 1 प्लस है, अब क्या करोगे अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लो, तो 3 माइनस 4 आई का जो कॉन्जुगेट वैल्यू होगा वो 3 प्लस 4 आई होगा, तो क्या करोगे 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, अब इसका कॉन्जुगेट लो। याद करो क्लास 9 में हम लोग रेशनलाइजेशन प्रोसेस पढ़ते थे, कुछ उसी तरह ये भी है 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। पहले 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा प्लस 7 आई मल्टीप्लाई करेगा 3 प्लस 4 आयोटा में, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, इट गिव्स ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात 3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में देख लो क्या क्या होगा, 1 मतलब ब्रैकेट खोलते 3 प्लस 4 आयोटा होगा, यहां से देखो 7 आई इंटू 3 इट गिव्स 21 आई हो जाएगा, 21 आयोटा हो जाएगा, आई को आयोटा करते हैं और 28 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस बेटा 4 का स्क्वायर 16 होगा और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, इट गिव्स 9 प्लस 16 अर्थात 25 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 25 लिख सकता हूँ, ठीक है थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। देखो बेटा 3 यहाँ आएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, इट गिव्स 3 माइनस 28 तो 5% दे रहे हैं, और 4i प्लस 21i इट गिव्स 25y,
25 आयोटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 25 है, कैसे है चलो समझा देते हैं बरो, बिकॉज माइनस 16 टू माइनस 1 क्या होगा प्लस 16 हो जाएगा, दो लेट और सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, ये देगा माइनस 25 प्लस 25 आयोटा, न्यूमरेटर ये आएगा एंड होल डिवाइड बाय 25, बेटा न्यूमरेटर से 25 पहले कॉमन ले लो, इट माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन 25 कट जाएगा, क्या बचा माइनस 1 प्लस आयोटा, यही हमारा देखो क्या राइट हैंड साइड है, प्रूफ तो हो गया देख लो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन में ना जो प्रूफ करने वाले हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिख चलता राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाने से पहले ना थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करो, क्योंकि देखो यहाँ पे आई का रूट है, तो पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से, समसन स्टार्ट करते हैं सेकंड, लिखेंगे कि सिंस ये दिया है यही प्रूफ करना है 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 इक्वल टू रूट आई, मतलब हमको ये प्रूफ करना है, इसका ये मतलब है इसका होल स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है इक्वल टू आयोटा हो जाएगा, अर्थात यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या ये है और राइट हैंड साइड ये है, अभी इसको ना प्रूफ करके इसको लेके चलेंगे हम लोग, तो कभी कभी ऐसे भी करते हैं, अगर जो भी प्रूवन स्टेटमेंट है जो दिया हुआ है अगर वो हमारे मन मर्जी नहीं है मतलब हमारे लायक नहीं है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी ही एक नया स्टेटमेंट बना सकते हैं उसके द्वारा और उसको प्रूव कर सकते हैं, ये भी चलता है, अभी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, अब इसको लिख चलो आप, तो क्या करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, भी लिखो इसको जैसा, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाई 2 ही रहेगा, क्या दिक्कत है, देखो आयोटा लाना है आता है पहले देखो, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस ये माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, देखो बेटा 1 प्लस माइनस कट जाएगा ना, ये 1 है ध्यान देना, क्या बचा सिर्फ 2 आयोटा अपॉन 2 बचा इक्वल टू आयोटा बचा, ये तुम्हारा क्या राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू रूट अपॉन प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, बेटा कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझो, पहले हम ये गिवन पार्ट लेके चलेंगे ठीक है, इस राइट हैंड साइड टर्म को हम अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे, अब कैसे करेंगे बताएंगे, तुमको जो प्रूफ करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब है, एक्चुअली एक्स क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मतलब क्या है पहले बेटा इसको हम ना पहले हम ए प्लस आई बी में इसको कन्वर्ट करेंगे, देखना अभी आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आगे चलकर ए प्लस आई बी में चेंज होगा, हर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी में चेंज होता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो वहां से एक्स की वैल्यू वाई को मिलेगी फिर पुट कर देंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में आ जाएगा अपन, देखो कैसे करते हैं पहले देख लो उसके बाद समझोगे, सबसे स्टार्ट करते हैं यहां से, लिखो पहले गिवन दैट, ऊपर लिख देना गिवन दैट एक्स प्लस आयोटा आई वाई इक्वल टू है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, अब करना क्या है रूट के अंदर सब कुछ ऑपरेशन करो, हम क्या करेंगे रूट को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, उसके बाद पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, थोड़ा सम्मान के साथ लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो रूट के अंदर ही, तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, तभी तो बैलेंस होगा, तो क्या होगा देखो ध्यान से रूट में ही देखो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इट गिव्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर देखो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इट गिव्स 1 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, अरे आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इट गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब देखो बेटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा इट बिकम्स 1 प्लस आयोटा, और रूट के अंदर देखो अभी रूट इसके पास तो लगेगा डिनोमिनेटर में 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और आयोटा का होल स्क्वायर माइनस तो पहले से था बीच में माइनस 1 होता है, ये भी मानो सूत्र बनाओ, तो अंत में क्या आएगा 1 प्लस आयोटा अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 अर्थात 1 प्लस आयोटा अपान अंडर रूट 2,
तुम इसको अलग अलग भी कर सकते, जैसे 1 बाय रूट 2 और प्लस 1 बाय रूट 2 आयोटा, ये किसके बराबर चल रहा था, x प्लस आई वाई। तो हम रियल, तो हम कंपेयर जब करें तो x की जगह पे क्या आएगा, रियल पार्ट क्या आएगा। और फिर से प्रैक्टिस कर लो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते हैं तो उस केस में रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। रियल पार्ट x यहाँ है, यहाँ रियल पार्ट क्या है, 1 बाय रूट 2 इक्वल होगा कॉमा, और इमेजिनरी पार्ट यानी आई का कोएफिशिएंट यहाँ y है, तो यहाँ आई का कोएफिशिएंट क्या है, 1 बाय रूट 2 है। ठीक, ये तो हमने जान गए कि x क्या है y क्या है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जो प्रूफ करना उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लो। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, पहले ये लिख चलो। अब जहां x की जगह पे क्या रखना चाहोगे, 1 बाय रूट 2, अब इसका होल स्क्वायर करो, और y की जगह पे क्या रखोगे, फर्दर 1 बाय रूट 2, जब गुणा भाग करोगे एंड सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाय 2, ये भी होगा 1 बाय 2, 1 का होल स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 आधा आधा मिलकर पूरा हो जाता है 1, यही किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था। देखो कितना आसान है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इफ जेड वन इज इक्वल टू है 2 माइनस आइटा एंड जेड टू इज इक्वल टू है माइनस 2 प्लस आइटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है बेटा, यहाँ क्या है, क्या फाइंड करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन बार। बेटा ये जेड वन बार है, अब इसका क्या मतलब है हम समझाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यू टू फाइंड 1 अपॉन जेड वन बार, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन जेड वन बार। बेटा देखो, बार है जेड वन या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज ए प्लस आई बी, देन तो उस केस में हम जेड बार को क्या करते हैं, पहली बात मैं बताऊं तो बेटा जेड बार कुछ नहीं है, इसे हम लोग इसी को हम लोग करते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड को हम बेटा जेड के ऊपर लगाते हैं, जेड के ऊपर एक हल्की सी ऊपर से एक बार बना दोगे, एक लाइन खींच दोगे, दैट इज सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और ये होता क्या है, जिसे मान लो ये करता क्या है, जैसे मान लो जेड के ऊपर जब हम बार लगाएंगे तो ए प्लस आई बी के ऊपर भी बार लगाएंगे, ठीक है। तो जब ये बार ओपन होता ये करता क्या है, ये क्या करता है ना कि ए और बी के बीच का जो साइन उसको चेंज कर देता है। मतलब देखो ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, ये ध्यान समझना, ये रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, इसके बीच का जो साइन है उसको चेंज करता है, प्लस को माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है, अर्थात ये ए माइनस आई बी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करके और बता दें आपको, प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहें जेड वन बराबर टू माइनस आयोटा है, तब जेड वन बार क्या होगा, जेड वन बार मतलब टू माइनस आयोटा का बार होगा। जेड वन बार को कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन को हम कहेंगे जेड वन बार। तो ये क्या होगा, जब बार यहाँ हटेगा तो टू प्लस आयोटा चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जेड टू बार है बेटा, जेड टू जैसा जेड टू जो है मान लो माइनस टू प्लस आयोटा है, अगर इसके ऊपर इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है यानी जेड टू का बार लेना है तो क्या हम करेंगे, तो पहले तो इसके ऊपर हल्का सा बार लगाओ। अब क्या होगा कि बीच का जो साइन वही चेंज होता है, यानी प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, यानी माइनस टू तो रहेगा आयोटा भी रहेगा लेकिन उसका संख्या होगा माइनस होगा। तो बस इतना जानो आप, इस सवाल को सिंप्लीफाई करने से पहले हमें जेड वन फिर जेड वन बार देखना होगा, जेड टू फिर जेड टू बार देखना होगा। जब बार का मतलब यहाँ क्या होता है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जब बार लगाएंगे तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट, क्या पढ़ेंगे बेटा कॉन्जुगेट, ठीक है। आइए समझते हैं, लगाते हैं इस क्वेश्चन को, अलग से बता भी दिए हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट जेड वन इज इक्वल टू है टू माइनस आयटा, देन अब यहीं से समझ लो जेड वन बार क्या होगा, तो जेड वन बार होगा टू माइनस आयोटा का बार, और टू माइनस आयोटा का बार होगा टू प्लस आयोटा। तुम समझ सकते हो किसका साइन बदला जाता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो साइन होता है उसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। आल्सो और क्या दिया था बेटा, z2 इक्वल टू दिया था माइनस टू प्लस आयोटा, तब z2 बार अर्थात कॉन्जुगेट ऑफ z2 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे माइनस टू प्लस आयोटा का बार लगा देंगे, तो क्या होगा माइनस टू तो अपने जब ठीक है, आयोटा भी अपने जब सही है, बीच का साइन प्लस को माइनस कर दो। क्यों हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ जेड वन जेड टू का वो कॉन्जुगेट निकाला, क्योंकि सवाल में कहीं कहीं ना जरूरत पड़ेगी। चलो देखो, सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जरा ध्यान से देखो, हमें इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन बार। तो पहले काम करते हैं, पहले जेड वन जेड टू निकालते हैं, फिर जेड वन बार से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट ढूंढते हैं,
तब जाके आएगा, यानी काफी लेंदी क्वेश्चन है। तो इसी को पहले टारगेट में हम लोग लेते हैं। हम क्या करेंगे नाउ, अब हम पहले निकालते हैं जेड वन इंटू जेड टू, क्योंकि जेड वन में पहले जेड टू का मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो देखो, जेड वन पहले क्या है देख लो, टू माइनस आल्टा है, जेड टू क्या हो वो ढूंढ लो, माइनस टू प्लस आल्टा है। अच्छा जी, ब्रैकेट खोल दो, टू टाइम्स माइनस टू प्लस आल्टा, माइनस आयोटा टाइम्स माइनस टू प्लस आयोटा, कैसे मल्टीप्लाई किया जरा सीखो। टू का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों ब्रैकेट में करेंगे, फिर माइनस आई के मतलब फिर इन दोनों इसी ब्रैकेट में करेंगे। देखो टू इंटू माइनस टू माइनस फोर प्लस टू आयोटा, अब माइनस आयोटा इंटू माइनस टू इट गिव्स प्लस टू आयोटा, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा इट गिव्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। देखो माइनस फोर होगा, टू आयोटा फोर आयोटा होगा, और आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन प्लस हो जाता है, तो माइनस फोर प्लस फोर आयोटा और प्लस वन, अर्थात माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। तो बेटा तुम क्या देख रहे हो, आपने देखा कि जेड वन जेड टू की जो वैल्यू आई है अब माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा आई है। अब हम उसके जेड वन बार से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यही कर देते हैं। देयर फोर जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाई जेड वन बार, देखो जेड वन जेड टू तो निकाले हैं, माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, और जेड वन बार क्या है, जेड वन तो ये है उसका बार मतलब उसका कॉन्जुगेट टू प्लस आयोटा है, देख लो आपने। अब क्या करेंगे, अब वही काम करते हैं, मैंने बताया था ना कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होगा वो हमेशा ए प्लस आई बी होता है, इसके डिनोमिनेटर में टू प्लस आई है, तो रिमूव करने के लिए फर्दर क्या करना पड़ेगा, टू प्लस आई के कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगली लाइन से ऊपर करके दिखा दे रहे हैं, इसलिए जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन बार इक्वल टू आया था माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन टू प्लस आयोटा इंटू टू माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा ना डिनोमिनेटर का, यहां तो क्या टू माइनस होगा, गलती हो रही थी, टू प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा टू माइनस आयोटा। चलो भाई अच्छे से मल्टीप्लाई करो फिर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, माइनस थ्री इंटू माइनस आयोटा प्लस थ्री आयोटा, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस फोर आई प्लस फोर ए हो जाएगा एट आयोटा, और ये जाएगा माइनस फोर आयोटा का स्क्वायर, तुम चेक कर ले रहे हो। एंड होल डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, देखो तो न्यूमरेटर में माइनस सिक्स, बेटा देखो आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस फोर होगा ये माइनस सिक्स होगा, तो माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू होता है, मैं डायरेक्ट एक लाइन कम कर दिया आपका, थ्री आयोटा प्लस एट आयोटा इलेवन आयोटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई फोर माइनस, और आयोटा का होल स्क्वायर माइनस वन होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख लो। तो इस तरह से हमने देखा कि माइनस ट्वेल्व प्लस इलेवन आयोटा अपॉन फाइव हो गया, अर्थात अलग अलग करो, देखो बेटा ये हमारा अब जाकर के जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन बार, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, ए प्लस आई बी का फॉर्म है, तो उसका हमें क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट, देयर फोर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन बार, देखो आई का कोफिशियंट क्या, इलेवन अपॉन फाइव, बस यही हमारा आंसर, ठीक है। अगर ये रियल पार्ट होता तो हम माइनस टू बाई फाइव लिखते हैं, और यही अगर इसका मॉडस वैल्यू निकालना होता तो लिखते हैं अंडर रूट माइनस टू बाई फाइव का होल स्क्वायर प्लस इलेवन बाई फाइव का होल स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करते जो आंसर है तो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को एक ही साथ कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड वन बार निकालेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, नहीं तो वन बाई जेड वन बार निकालते हैं, सेकंड के लिए हम पहले करेंगे। तो देखो वन अपान जेड वन बार क्या होगा, देखो पहले जैसा कि तुम देख रहे हो वन अपान जेड वन क्या है बेटा, टू माइनस आयोटा है, और जेड वन बार यानी इसका कॉन्जुगेट होगा टू प्लस आयोटा, ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखा भी था जेड वन बार कहीं लिखा होगा, देख लेना टू प्लस आयोटा लिखा देखें, ये क्या होगा टू का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इट गिव्स वन अपान फोर प्लस वन। अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, टू का स्क्वायर फोर होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात वन अपान जेड वन आयोटा इक्वल टू होगा वन अपान फाइव,
इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हैं, 1/5 प्लस 0 आएगा। क्या हमें ढूंढना रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है 1/5 होगा देखो, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 बार क्या होगा, 0 होगा। देखो आंसर, दोनों का एक आंसर एक साथ आ गया, चेक कर लो आप। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है इफ 1 प्लस अल्टा अपॉन 1 माइनस अल्टा टू द पावर m इक्वल टू 1 हो देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। बेटा तो हमें क्या करना है कि m का लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, मतलब लिस्ट मतलब सबसे कम और पॉजिटिव मतलब धनात्मक, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू, माने m का मान ढूंढना है जो इंटीजर हो, भी सबसे छोटा इंटीजर हो, ठीक है। माने m का मान वह होगा जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वह ढूंढना है। तो आपको पता है इंटीजर क्या होता है, 0 प्लस 1, पॉजिटिव इंटीजर की जब बात करते हैं 1, 2, 3, 4 ही ना होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिख चलते हैं, गिवन पार्ट में दोनों टर्म है, गिवन दैट, आधे बच्चों किसी से कंफ्यूज आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब समझ लो नेचुरल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर है, ठीक है, ऐसे समझो। 1 प्लस अल्टा अपॉन 1 माइनस अल्टा टू द पावर m इक्वल टू क्या दिया हुआ है। अभी काम करो ना, 1 प्लस अल्टा अपॉन 1 माइनस अल्टा को जैसे आप सिंप्लीफाई करते थे कॉन्जुगेट लेके करिए, बस पावर m लगाते जाइएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, 1 प्लस अल्टा अपॉन 1 माइनस अल्टा इनटू 1 प्लस अल्टा अपॉन 1 प्लस अल्टा और होल पावर m। हमने क्या किया, जैसे हम पहले करते तो वैसे ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सा आपको ऐसे लिखना होगा, अब देखो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इट गिव्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इट गिव्स 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और होल टू द पावर क्या होगा n, इस पर क्या होगा 1। अब देखो बेटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई फॉर्मूला होता है ना, 1 का होल स्क्वायर तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। तो देखो जब इसको एक्सपेंड करोगे 1 प्लस i का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस i का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इनटू i और अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन होगा तो 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा और टू द पावर m इक्वल टू 1। और अच्छा सिंपलीफाई करो, जैसा कि आपको पता है कि i का स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 1 2 और 2 हो जाएगा, अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो i टू द पावर m इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यही लास्ट वाला समझो, आयोटा का पावर m इक्वल टू 1। देखो m क्या है, हमें ना m की वैल्यू वो ढूंढनी है जिसके लिए वो छोटी से छोटी पॉजिटिव इंटीजर ढूंढनी है जिसके लिए 1 आता हो। तो जरा सोचो, i की वैल्यू था रूट माइनस 1, i स्क्वायर था माइनस 1, i क्यूब था माइनस i, i टू द पावर 4 था प्लस 1, बस यही रुक जाओ। आपने देखा है i टू द पावर 4 जब हम करते हैं तो उस केस में क्या है, ये सबसे छोटा धनात्मक संख्या है, ठीक है, यानी इससे पहले i का पावर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, i पावर 2 नेगेटिव नंबर था, ठीक है, i का पावर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन i टू द पावर 4 1 आ रहा है जो कि सबसे लिस्ट पॉजिटिव नंबर है। इसका ये मतलब हुआ हम डायरेक्ट m बराबर 1 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये 1 कब आएगा, जब ये i टू द पावर 4 होगा। और कंपेयर करोगे पावर के तो सॉरी 1 नहीं बेटा, m की वैल्यू 4 होगा, i टू द पावर m 1 था और 1 को लिख सकते हैं i टू द पावर 4 और i टू द पावर 4 1 हो गया, उस केस बेटा जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, m की वैल्यू 4 होगा। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है, m की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी।